हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म रे एही श्रावण मास को सर्वशेष मास बोली कुहा जाय थाए एवं बहुत पवित्र मास रूपे वर्णित करा जाय अछि। कार्तिक मास परे एही मासटी मध्य बड़ धार्मिक मासटी होई थाए। एही मासटी शिव भगवानकर भक्तिर मास होइथाय। एमिति मान्यता अछि कि एही श्रावण मास रे जिए भी शिवंकर पूजा अर्चना बा अभिषेक करिथांती से समस्त प्रकारर दोषरु मुक्त होइ अपार कृपा लाभ करिथांती। जीवनर समस्त कार्यरे आसुथिबा बाधा विघ्न दूर होइथाय एवं सुख समृद्धि लाभ करिथाय। एही कारणरु समस्त शिव मंदिर मानकरे श्रावण मास बड़ भीड़ लागि रहिथाय। एही मासटी भक्तिर मास होइथाय। तेणु एही मास पई शास्त्र रे किछि कार्यमान वर्जित करा जाय अछि, जहा को कि आमको करबा उचित नुहे। जेउ माने हको पालन करि नथांती से माने शिवंकर कृपा पाइबारु वंचित होइथांती एवं दुख दुर्दशा बढ़ि चालिथाय। तो फ्रेंड्स, एबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मासरे कौन सब निषेध होइथाय। ता सहित फ्रेंड्स जानिबा कि एही श्रावण मासरे केउ जिनिस आनिबा द्वारा घर को सुख समृद्धि आसीथाय। किंतु ता पूर्वरु फ्रेंड्स वीडियो को गोटे लाइक करी निज संग साथरे शेयर करी नियंतु। आउ जदि आपण एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करी नहाती ताहाले सब्सक्राइब करी नियंतु। बड़ा बाबा को कृपा पाइबा पई कमेंट बॉक्स रे जय भोलानाथ निश्चय लेखंतु। नंबर 1, आमिष भोजन। एहा साधारणतः समस्ते जानिथिबे जे पवित्र श्रावण मासरे आमिष भोजन कले महादेव कोप होइथांती, जीवन रे बहुत अनिष्ट होइथाय। एणु श्रावण मासरे आमिष निषेध होइथाय। नंबर 2, पियाज रसुण। पुराण शास्त्र रे वर्णित अछि राहुर गळा को श्री विष्णु चक्र द्वारा दुई खंड करि देथिले। मस्तकटी राहु एवं शरीरटी केतु अटे, किंतु सही समय राहुर गळारो किछि रक्त बुंदा माटी तळे पड़ी पियाज एवं रसुणर उत्पत्ति होइथिला। एणु एही पियाज रसुण आमिष रूपे गणना करा जाइथाय। एणु श्रावण मासरे एही पियाज रसुण को खाइबा निषेध अटे। नंबर 3, खियर हेबा बा सेविंग हेबा। फ्रेंड्स, एही श्रावण मासरे सेविंग हेबा जेपरि कि चुट्टी दाढ़ी नख इत्यादि काटिबा महापाप होइथाय। एही श्रावण मासरे सेविंग हेबा द्वारा शिवंकर कृप दृष्टि बढ़िथाय, जहाँ फल कि अनेक प्रकार अनिष्ट होइथाय। नंबर 4, तेल लगाइबा। श्रावण मास अति पवित्र मास होइथाय एवं शिवंकर मास होइथिबारु एही मासरे बा एही मासर सोमवार रे शरीर रे तेल लगेबा निषेध होइथाय। जेउ माने हको अमान्य करिथांती बा शरीर रे तेल लगाइथांती से माने शिवंक कृपारु वंचित होइथांती। नंबर 5, दिन रे सोइबा। एही श्रावण मासटी शिवंक मास होइथिबारु एही मासरे सूर्य उदय पूर्वरु उठि स्नान आदि कार्य सारिकि शिवंकर पूजा करिबा एवं अभिषेक भी करिबा उचित। एहा करिबा द्वारा शिवंकर अपार कृपा प्राप्ति होइथाय। जिए सूर्य उदय परे भी सोई रहिथाय किंबा दिन बेला सोई रुहे तांकु शिवकोप होइथाय, जहाँ फल ताहर अनेक प्रकार क्षय क्षति होइथाय। एणु श्रावण मासरे विलंब पर्यंत सोइबा किंबा दिन रे सोइबा निषेध होइथाय। नंबर 6, विवाह करिबा एवं शारीरिक संपर्क रखिबा निषेध होइथाय। एही श्रावण मासरे विवाह एवं शारीरिक संपर्क रखिबा मनीष पई निषेध अटे। एणु एही मासरे स्वामी स्त्री संबंध रखिबा महापाप होइथाय, अनिष्ट एवं दुख कष्टर कारण होइथाय। नंबर 7, खीर पीबा। एही श्रावण मासटी शिवंकर मास होइथिबारु शिवंको खीर रे अभिषेक करा जाइथाय। खीर रे तयारी छेना दही इत्यादि खाई पारिबे, किंतु विशेष करी कंचा खीर पीबा संपूर्ण निषेध होइथाय। नंबर 8, बैगन सेवन निषेध होइथाय। पुराण शास्त्र रे कार्तिक एवं श्रावण मास रे बैगन खाइबा निषेध करा जाय अछि। एहार कारण जदि उल्लेख नाही तथापि बैगन सेवन श्रावण मास रे निषेध करा जाय अछि। तेबे फ्रेंड्स, एही श्रावण मास रे एही केतोटी भूल बिल्कुल भी करंतु नाही। एबे आसंतु जानिबा फ्रेंड्स, श्रावण मास रे केउ जिनिस घर को आनिबा अत्यंत शुभ होइथाय। फ्रेंड्स, श्रावण मास रे भगवान शिवंक आराधना करिबार विशेष महत्व रहिछि। हिंदू धर्म अनुसार श्रावण मासटी भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय मास अटे। आउ जेउ भक्त निष्ठा सहित भगवान शिवंकर पूजा अर्चना करिथाय तो ताकु भोलेनाथंकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाय।
फ्रेंड्स श्रावण मासर आरंभ होई सारिछि। फ्रेंड्स एमिति त भगवान शिव केवल जल आउ बेलपत्र द्वारा खुशी होई जांती, सेथि पाइं तांकु भोलानाथ बा भोला बाबा कुहा जाय। किंतु कोन आपण जानिछंती जदि श्रावण मासरे शिवंकु जड़ित किछि जिनिसकु आनी आपणकर घरे रखिबे तो एथि द्वारा घर को सुख समृद्धि आसी थाए, घरे पॉजिटिव एनर्जी रो संचार होई थाए, आउ आपणकर उपरे भोलानाथंकर विशेष कृपा बनी थाए। तो चालंतु जानिबा सेही जिनिस गुडी को कोण अटे जहा को श्रावण मासरे घर को आनिबा अत्यंत शुभ माना जाए। नंबर 1 त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिवंक हातरे सबुबेले रही थाए, एहा तीनि देवंक प्रतीक अटे। श्रावण मासर प्रथम दिनरु रूपार त्रिशूल आणिबा द्वारा पूरा वर्ष कष्टरु मुक्ति मिलिथाए। नंबर 2 रुद्राक्ष। सुख सौभाग्य एवं समृद्धि पाई तथा मनर पवित्रता पाई असली रुद्राक्ष को घर को आणंतु आउ घरर पवित्र स्थान रे रखंतु। रुद्राक्ष को रूपारे बनाई पिंधिबा द्वारा एहा आपणकर जीवन पाई अत्यंत शुभ आउ समृद्धि आणी थाए। नंबर 3 डम्बरु। भगवान शिवंक पवित्र वाद्यजंत्र अटे एही डम्बरु। एही पवित्र डम्बरु ध्वनिरु पाखापाखि थिबा समस्त अशुभ शक्ति दूर को पळाइ थाए। आरोग्य पाई मध्य डम्बरुर ध्वनि फलदायी माना जाय थाए। श्रावण मासर प्रथम द्वितीय दिन रे एहाकु घर को आनी रखंतु आ श्रावण मासर अंतिम दिन रे एहाकु कोनोसी छोट पिला को उपहार स्वरूप देई दियंतु। नंबर 4 रूपार नंदी। नंदी भोलानाथंकर वाहन अटे। श्रावण मासर प्रथम दिन रे रूपार नंदीकु घर को आनी पूरा मास पूजा करंतु, एथि द्वारा आर्थिक संकटरो मुक्ति मिलिथाए। नंबर 5 जलपात्र। जल भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय अटे। आपण चाहिबे तो श्रावण मासर प्रथम दिन रे गंगा जल आनी घरे रखि पारिबे आ पूरा मास पूजा करि पारिबे। किंतु जदि हा संपूर्ण संभव नाही तो आपण रूपा एवं पीतळ एवं तंबार पात्र आनी सेथिरे स्वच्छ आ निर्मल जल भरि देबे आ प्रतिदिन सेथिरु शिवंकु जल अर्पण करि भरि रखि देबे। एहा धनर आगमन पई सबुठारु अधिक प्रभावशाली अटे। नंबर 6 सर्प। भगवान शिवंक बेकरे प्रत्येक समय रे सर्प राज रही थांती। श्रावण मासर प्रथम दिन रूपार नाग नागुणी को घर को आनी रखंतु आ प्रत्येक दिन पूजा करंतु आ श्रावण मास सरीबा परे ताकु कोनोसी शिव मंदिर रे रखी दियंतु। एही प्रयोग आपण को पितृ दोष रु मुक्ति देबो। नंबर 7 रूपारे बनितिबा चंद्र। फ्रेंड्स शिव मध्यरे चंद्रमा विराजित अटंती। श्रावण मासर प्रथम दिनरु रूपार चंद्रदेवंकु आनी घरे पूजा करंतु, जदि संभव त मोति भी आनी रखंतु। मोति चंद्र ग्रहण को शांत करी थाए, एथि द्वारा चंद्र ग्रह शांत त होई थाए आउ ताहा सहित मन भी शांत होई थाए। नंबर 8 रूपार बेलपत्र। आमे पूरा श्रावण मासरे भगवान शिवंकु बेलपत्र चढ़ाई थाउ, किंतु सबुबेले शुद्ध एवं अखंडित बेलपत्र मिलिबा संभव नुहे। सेतिपाई रूपार बेलपत्र आनी घरे शिवंकु अर्पित करिबा द्वारा सबु पापर नाश होइथाय आउ घरे शुभ कार्यर जोग बनिथाय। फ्रेंड्स भगवान शिव निज जटरे गंगा को धारण करिछंती। शास्त्र र मान्यता अनुसारे आपण श्रावण मासरे घर को गंगा जल आनी रखंती एवं प्रतिदिन सेथिरे महादेवंक अभिषेक करंती, तेबे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होई आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिवे। शास्त्र अनुसारे जदि श्रावण मासरे आपण स्फटिक बा पारदर शिवलिंग आनी घरे रखिबे तेबे आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण होइथाय, कारण एही शिवलिंग को बहुत पवित्र माना जाइथाय। एहाकु घरे स्थापन करिबा अत्यंत शुभ अटे। कुहा जाय रुद्राक्ष भगवान शिवंक लुहरु सृष्टि होइछि एवं एहा तांकु बहुत प्रिय अटे। रुद्राक्ष को शांति एवं समृद्धि रो प्रतीक माना जाए। एहाकु श्रावण मासरे घर को आनिले जीवन रे शुभ फल प्राप्ति होइथाय। भगवान शिवंक नंदींकु शक्ति सकर्मता एवं कर्मता रो प्रतीक बोली माना जाए। श्रावण मासरे चांदीर नंदींकु आनी घरे धन रखुथिबा स्थान रे रखिले घरे सफलता एवं धन वृद्धि होइथाय। श्रावण मासरे तंबार जलपात्र आनी सेथिरे प्रतिदिन जल भरी घरे रखिबा मध्य अत्यंत शुभ अटे। एहा द्वारा घरे परस्पर मध्यरे प्रेम बढ़िथाए एवं संपर्क मजबूत हुए।
तेबे फ्रेंड्स इहा थिला सेमिति किछि जिनिस जहाकु आपण जदि श्रावण मासरे घरकु आणिबे तेबे आपणकर उपरे भगवान शिवंकर विशेष कृपा दृष्टि मिलिबो। जदि आपणकु एही भिडियोटि भल लागि थाय ताहाले प्लीज भिडियोकु लाइक करिबे, निज सांग साथीरे शेयर करिनेबे, आउ जदि आपण एपर्यंत आम चैनलकु सब्सक्राइब करिनाहांती ताहाले सब्सक्राइब करिनेबे।